हेलो एवरीवन। सो इन दिस शॉर्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ डीमोटिवेशन इज योर बिगेस्ट एनिमी एंड कैसे डीमोटिवेशन आपको पीछे की तरफ लेके जा रहा है एंड आपकी प्रोग्रेस को हिंडर कर रहा है। स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, सबसे बड़ा इम्पैक्ट डीमोटिवेशन का होता है कि आपको स्ट्रेस होने लगता है एंड एंग्जाइटी होने लगती है। आप पढ़ नहीं पाते हो, आप जो चीज आपको स्ट्रेस दे रही है उसी के बारे में सोचते रहते हो, आपको कॉन्टिन्यूस एंग्जाइटी होती रहती है, कॉन्सेंट्रेट आप बिल्कुल नहीं कर पाते हो। तो सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस डीमोटिवेशन का है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। देन उसके बाद आपका कॉन्टिन्यूअसली नेगेटिव एटीट्यूड भी होने लगता है। आप दूसरों के साथ लड़ते हो, अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुनते, उनकी तरफ अपना नेगेटिव एटीट्यूड रखते हो, अपने फ्रेंड्स की तरफ अपना नेगेटिव एटीट्यूड रखते हो, ठीक है। देन और भी जो आपके आसपास लोग हैं आपकी, उनकी तरफ भी नेगेटिव एटीट्यूड हो जाता है। तो दिस इज द सेकेंड इम्पैक्ट ऑफ डीमोटिवेशन ऑन यू जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। देन आपकी प्रोग्रेस बिल्कुल नहीं होती, आप स्टक हो जाते हो, कॉन्टिन्यूअसली पिछली बातों के बारे में सोचते रहते हो कि किस चीज ने मुझे डीमोटिवेट किया हुआ है एंड उसी के बारे में आप कॉन्टिन्यूअसली अपना पूरा दिन वेस्ट करते रहते हैं। तो आपकी प्रोग्रेस हो ही नहीं पाती है। जो आपको एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है आप उसके बारे में सोच ही नहीं रहे हो। फिर देन प्रोक्रास्टिनेशन, आप बिल्कुल भी जब डीमोटिवेट हो जाओगे तो आप प्रोग्रेस नहीं करोगे। तो इसका मतलब ये भी है कि आप जो आपको टास्क मिले हुए हैं, जो आपको एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है, आप वो भी नहीं करोगे। आप कॉन्टिन्यूसली सारी चीजें डीले करते रहोगे क्योंकि आपका मन ही नहीं करेगा कुछ करने का। तो दिस इज द फोर्थ इम्पैक्ट ऑफ डीमोटिवेशन। देन कोई इंथुजियाज्म नहीं होगा आपके अंदर। आप कॉन्टिन्यूअसली लाई डाउन करोगे अपने चेयर के ऊपर, अपने बेड के ऊपर, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके अंदर एनर्जी नहीं होगी। तो नो इंथुजियाज्म, डीमोटिवेशन का अनदर इम्पैक्ट। देन उसके बाद आप डीमोटिवेशन को ओवरकम कैसे कर सकते हैं, कैसे डीमोटिवेशन का मोटिवेशन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक प्रोग्रेस होती है, एक स्टेप्स होते हैं जो आपको करने होते हैं। तो प्लीज मेक श्योर ध्यान से इन सारे स्टेप्स को सुनिए एंड अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट कीजिए। आइडेंटिफाई द रूट कॉज, आइडेंटिफाई कीजिए, मतलब आप देखिए कि क्या, मतलब क्या रीजन है जिससे कि आप डीमोटिवेट हो रहे हो। आप थोड़ा डीपर सोचिए उसके बारे में कि क्या है ऐसा रीजन जिससे मैं डीमोटिवेट हो रहा हूं, और उसको ओवरकम कीजिए, सिम्टम्स को जानिए, ठीक है। तो थोड़ा सा डिग डीप आपको करना पड़ेगा, देन ही आप उसके बाद रूट कॉज को आइडेंटिफाई कर सकोगे एंड आगे मूव ऑन कर सकोगे। क्लियर गोल सेटअप करने शुरू कर दीजिए। आपको अपने बेड से उठना पड़ेगा, जिस चेयर पे आप बैठे हुए हो लेजीली उससे आपको उठना पड़ेगा। एंड यू हैव टू सेट द क्लियर गोल्स कि आज मुझे ये करना है, कल मुझे ये करना है, मुझे इस वीक के अंदर ये कंप्लीट करना है, या मुझे इस मंथ के अंदर ये कंप्लीट करना है। एंड एक ओवरऑल गोल भी आपका होना चाहिए, ओके। एंड उसके लिए आपको एक्शन के एक्शन भी लेना है। ये नहीं है कि आप गोल सेटअप करके बस बैठ जाओगे, आपको एक्शन भी लेना है। देन सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिव इंडिविजुअल। आपके आसपास जो भी कोई नेगेटिव लोग हैं उनको अपने लाइफ से निकाल दीजिए एंड जो आपके आसपास जो पॉजिटिव लोग हैं उनके साथ बैठिए, उनके साथ बातचीत कीजिए, क्योंकि उनकी पॉजिटिविटी आपको इम्पैक्ट करेगी एंड आप भी अपनी लाइफ की तरफ पॉजिटिव होना शुरू हो जाओगे। देन सेलिब्रेट कीजिए अपनी छोटी छोटी स्मॉल विक्ट्रीज को। जो भी कुछ आप अचीव करो उसको सेलिब्रेट करो। जैसे मान लीजिए कि आपने एक टारगेट सेट किया हुआ है कि मुझे एक दिन के अंदर ये कंप्लीट करना है, मुझे पेपर वन का ये करना है, पेपर टू का ये करना है, ये कोई भी है, कुछ भी छोटा स्मॉल टारगेट है, अगर आप वो सक्सेसफुली अचीव करते हो तो उसको सेलिब्रेट कीजिए, अपने आप को रिवॉर्ड कीजिए, चॉकलेट दीजिए अपने आप को, ओके। तो छोटी छोटी विक्ट्री जब आप सेलिब्रेट करना शुरू करोगे ओवर द मंथ, ओवर वीक्स, मंथ्स, देन बड़ी विक्ट्री भी आपके सामने आएगी एंड उसको भी आप बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट कर पाओगे। देन इंस्पिरेशन लीजिए दूसरे लोगों से, जो आपके पास आसपास लोग हैं अगर वो सक्सेस अचीव कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, उनसे इंस्पायर होइए, उनसे जलिए मत, उनसे इंस्पायर होइए, क्योंकि उनकी इंस्पिरेशन आपको इम्पैक्ट करेगी एंड आप भी अपनी लाइफ के अंदर बहुत अच्छा कर पाओगे। देन जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस है आपके पास उसको हटाइए अपनी लाइफ से बिल्कुल। कोई आपके आसपास ऐसे दोस्त हैं, कोई भी ऐसे लोग हैं जो आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहे हैं, आपके माइंड के ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है, यस, आपको उनको ब्लॉक करना है अपनी लाइफ से बिल्कुल, उनको हटा देना है एंड आपको आसपास अपने पॉजिटिव पीपल ही सराउंड करने हैं। तो अगर आप ये चीजें करोगे तो आप डीमोटिवेटेड से मोटिवेटेड हो जाओगे, आपके अंदर मोटिवेशन आनी शुरू हो जाएगी एंड आप श्योरली अपनी लाइफ के अंदर कुछ एक बड़ा कारनामा करोगे। जैसे कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो JRF क्वालिफाई करना चाहते हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के अंदर, अगर वो डीमोटिवेट हो रहे हैं तो ये सब चीजें आप इंप्लीमेंट करना शुरू कीजिए अपनी लाइफ के अंदर एंड आप श्योरली यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में JRF क्वालिफाई करोगे। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, कीप वॉचिंग बायजूस एग्जाम प्रेप फॉर मोर वीडियोस।